आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का पराठा। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चला लेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच बेसन, स्वाद अनुसार नमक और लो फ्लेम पर चला के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस ये हो चुका है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप वो भी काट के डाल दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इसका आटा मैंने सॉफ्ट लगा लिया था। इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और आटा लगा के गोल गोल कर लेंगे। इसमें स्टफिंग रखेंगे और आटा स्प्रेड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर आटा लगा के हम इसे हल्के हाथे से बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, वरना ये फट जाएगा। फ्राइंग पैन को गर्म कर लें, गैस का फ्लेम लो रखें। घी चाहे तेल बटर जो आपको लगाना है लगा लें और उस पर हम पराठा डाल देंगे। जब ये एक साइड से हो जाए तो पलट के दूसरे साइड भी आप तेल लगा लें। इसी तरह हम इसे दबा दबा के सेक लेंगे। जब तक कि ये सिक रहा है, चलिए हम स्क्वायर पराठा भी बना लेते हैं। स्क्वायर पराठा के लिए पहले हम रोटी की तरह इसे बेल लेंगे, फिर हम बीच में स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप गोल पराठा खा के बोर हो गए हैं तो इस तरह से स्क्वायर पराठा बना लें और आटा लगा के इसे भी हल्के हाथों से स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। ये देखिए हमारा ये पराठा सिक चुका है। इसी तरह हम दूसरा भी सेक लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने 2 ही प्याज का बनाया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसी तरह ज़्यादा बना लें। आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, झटापट बन जाता है। शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से आप काट लें और बच्चों के टिफ़िन में दे दें। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो उसमें हरा मिर्च ना डालें।